नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से जो है डिसिप्लिन में वैकेंसीज रिलीज किया गया है, कब से एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, कब तक एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, क्या एप्लीकेशन प्रोसीजर है, ये सारे सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसीलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। एंड मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है, वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं, वहां पे भी आपको अदर्स जॉब नोटिफिकेशन के बारे में पता चलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए हम नोटिफिकेशन पर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए डिसिप्लिन जो है आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर और साइंटिस्ट की पोजीशन है एंड ये परमानेंट पोजीशन है। डिसिप्लिन यहाँ पे अलग अलग है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एंड एक्वाकल्चर। हर एक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलेवेंट जो है एलिजिबिलिटी दिए गए हैं। जैसे कि बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर चाहिए फॉर हॉर्टिकल्चर डिसिप्लिन, एंटोमोलॉजी के लिए बीएससी सेरिकल्चर एंड एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, एंड एक्वाकल्चर के लिए फिश बायोटेक्नोलॉजी, फिश न्यूट्रिशन एंड फीड टेक्नोलॉजी में अगर आपने डिग्री कंप्लीट किया है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसका लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसी साइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, मैं वो भी दिखा दूंगी कहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि 13 जून से यानी कि आज से जो है एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, यानी कि 11 AM से तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं। आज जो है दोपहर 11 बजे से स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड कंटिन्यू चलेगा 22 जून तक टिल 5 PM। ठीक है, शाम 5 बजे तक आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है नोटिफिकेशन जो है ये दोबारा रिलीज किया गया है, पहले भी एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया था 8/2023। ठीक है, अगर किसी ने अप्लाई किया था पहले, अर्लियर अप्लाई किया था, तो उनको दोबारा अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर एप्लीकेशन आपका सिर्फ जो मैंने अभी डिसिप्लिन बताया इसी डिसिप्लिन में आपने किया था, तो दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने दूसरे डिसिप्लिन में किया था तो वो एक्सेप्टेबल अभी नहीं है। ठीक है, सिर्फ जो वैकेंसीज आई है वो इसी डिसिप्लिन से आई है, जो हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एंड एक्वाकल्चर में। अब दिखाते हैं कि जो पहला एडवर्टाइजमेंट था 8/2023 रेफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे जो है आपको सैलरी वगैरह, पेमेंट क्या था एंड एज लिमिट क्या है, वो सारे सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एंटोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एक्वा, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, वेटरनरी, एक्सटेंशन, एजुकेशन, तो ये आप यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते। सिर्फ जो मैंने डिसिप्लिन बताया सिर्फ वही डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पे वगैरह देख सकते हैं, इनिशियल पे जो है 1,31,400 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा। बिकॉज ये परमानेंट पोजीशन है तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलने वाला है। एंड मैक्सिमम सैलरी इज 2,17,100 रुपीज पर मंथ एज पर लेवल 13A। एज लिमिट यहाँ पे 47 इयर्स रखा गया है। हमने इन शॉर्ट जो है एलिजिबिलिटी ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, बट अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास बैचलर्स डिग्री है इन एग्रीकल्चर, फिशरीज या फिर वेटरनरी में, उसके साथ साथ मास्टर्स डिग्री में आपका जो है 55% मार्क्स है इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन एंड आपने पीएचडी डिग्री कंप्लीट किया है इन द कंसर्न डिसिप्लिन में, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट जो अदर्स जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 8 साल की मिनिमम एक्सपीरियंस का यहाँ पे डिमांड किया गया है। 5 पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए, एटलीस्ट 5 पब्लिकेशन, एंड मिनिमम स्कोर जो है वो 49 होना चाहिए आउट ऑफ 70। बट अगर आप एसएससी कैंडिडेट हैं तो फिर 45 स्कोर से भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आउट ऑफ 70। ठीक है, ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स जो है, मतलब हर स्टेट के कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ जो आसाम के जो परमानेंट रेसिडेंट्स है सिर्फ वही कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है कि द कैंडिडेट्स हु आर परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ आसाम शुड ओनली अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड इक्विवेलेंट। ठीक है, एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 500 रुपीज है, जो कि फुली नॉन रिफंडेबल है फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 250 रुपीज फॉर SC/ST PWD कैंडिडेट्स। ठीक है, एंड अगर कोई कैंडिडेट करेंट एम्प्लॉय है कहीं पे भी, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ये आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड आपका यहाँ पे क्या डिटेल्स है वो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद चलते हैं जो साइट मैंने दिखाया था, वो साइट अगर आप जो लिंक दिया हुआ था, ठीक है, वो क्लिकेबल नहीं है, वो आप क्लिक नहीं कर सकते नोटिफिकेशन में। तो वहां से आपको क्या करना है, लिंक को कॉपी कर लेना है एंड आप उसको
सर्च कर सकता है न्यू टैब में जाके, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद ये जो है ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल है। तो यहाँ पे आके आपको पहले तो रजिस्टर करना है। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद साइन इन कीजिए। साइन इन करने के बाद अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके थे तो साइन इन कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड वगैरह नहीं पता है तो फॉरगॉट पासवर्ड करके भी आप पासवर्ड फिर से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोनों का लिंक मिल जाएगा, जैसे कि जो अर्लियर जो नोटिफिकेशन आया था 8/2023 जो मैंने अभी दिखाया था, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। एंड जो करेंट नोटिफिकेशन है जहाँ पे वैकेंसीज आए हैं तो वो अगर देखना है तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एप्लीकेशन प्रोसीजर। अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। तो ये आया है नोटिफिकेशन जो है असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये नोटिफिकेशन आया है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए परमानेंट पोजीशन के लिए। जो लोग मतलब ऐसे ढूंढते रहते हैं कि परमानेंट पोजीशन नहीं निकल रहा है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। तो आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन में जाकर रिक्रूटमेंट क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो फिर ये टैब जो है रिक्रूटमेंट का वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपको जो है परमानेंट पोजीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो कॉन्ट्रेक्चुअल है वो ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो यहाँ पे परमानेंट पोजीशन में जो लिंक आपको मिल रहा है एडवर्टाइजमेंट का, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी कमेंट आप कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है आपके पास, तो वो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझे। आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। एंड देन उन लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए जो भी मतलब जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।